ये देखिए दोस्तों, स्वादिष्ट गोभी के कोफ्ते। दोस्तों इस समय गोभी सस्ती हो गई है और इस ठंडियों के मौसम में जब गोभी सस्ती हो गई है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल गोभी का कोफ्ता बनाने की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल गोभी के कोफ्ते बनाने की विधि। दोस्तों ठंडियों में स्पेशल गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए आपको यूज करना है एक फूल गोभी, एक बड़ा प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, इसकी जगह आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं जैसा आपको तीखा पसंद हो, 2-3 टमाटर कट करके, मटर एक छोटी कटोरी और छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए गाजर, 1 कटोरी बेसन, बारीक कटे हुई 1 छोटी कटोरी पत्ता गोभी, 1 छोटी कटोरी मलाई, कुछ मसाले खड़े मसाले लेंगे, छोटी इलायची, दालचीनी, 2 लौंग, थोड़ी सी मरीच और थोड़ा सा जीरा, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन, लहसुन और अदरक ये मसाले के साथ पीसेंगे इसलिए खड़ा लिया है, सब्जी मसाला, इसको बनाने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, 1.5 चम्मच मूंगफली के दाने, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, 2-3 तेज पत्ता। अब सबसे पहले गोभी का जो कोफ्ता बनाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते को फ्रेंड्स गोभी को अच्छी तरीके से धुलकर इसे मोटा मोटा कद्दूकस कर लीजिए। गठीली गोभी लेंगे तो इसे ये अच्छी तरीके से रेत से बनता है। अगर आप रेत ना पाए तो इसे एकदम बारीक बारीक कट भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। चलिए इसी तरीके से सारी गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें आप डालिए बारीक कटे हुए धुले हुए पत्ता गोभी, बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन व हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक भी इसमें काट लेंगे, थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी भी आप डाल सकते हैं, नमक स्वादानुसार, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप उतने ही डालिए जितना ये पानी ऑब्जर्व कर सके इसका। इसे आपको गोल गोल लड्डू की तरह बनाने हैं तो उतना ही हम बेसन इसमें डाल रहे हैं कि ये हमारा ये लड्डू की तरह बन सके। थोड़ा और दोस्तों अब हाथ साफ करके इसे गोल गोल लड्डू की तरह बना लीजिए। एक बार इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथों से भी। छोटी छोटी बॉल्स बनानी है इसके। इस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं इसको बनाना। एक बार इसे आप घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। ये एक बार बनाएंगे तो दोबारा जरूर बनाना पसंद करेंगे। इसी तरीके से सभी को बना लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे फटाफट गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं। तेल गर्म हो रहा है। तेल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं।
फ्लेम लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं। अगर ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये अंदर से पक नहीं पाएंगे। दोस्तों अब जैसे पकौड़ियाँ तलते हो ना गोल्डन गोल्डन एकदम रेड रेड, उसी तरीके से इनको भी तल लीजिएगा। अंदर से ये कच्चे नहीं रहने चाहिए। पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें एक प्लेट में निकालते जाइए इस तरीके से। जो थोड़ी आपको कच्ची लगे उन्हें पलट पलट कर अच्छी तरीके से तल लीजिए। चलिए इसी तरीके से सभी को बना लेते हैं। पकौड़ियों को गोल्डन ब्राउन तलने के बाद कढ़ाई से सारा तेल निकाल देंगे। बस 1 से 2 चम्मच ही इसमें तेल रखेंगे। तेल निकालने के बाद फ्लेम ऑन करिए। अब इसमें आप डालिए मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, इन्हें हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं। टमाटर, ढक देते हैं ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। लहसुन, अदरक, दोस्तों ये मसाले सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए फ्लेम बंद कर दीजिए। अब इन्हें 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लीजिएगा। दोस्तों सारी सामग्री रेडी है। चलिए फटाफट इंडक्शन ऑन करके कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे ढेर सारा तेल। लगभग 100 ग्राम लिया है तेल। अब इसमें आप डालिए खड़े मसाले, जीरा, मरीच, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, कसूरी मेथी और ये मसाले। एक चम्मच सब्जी मसाला, इन सभी को अच्छी तरीके से भून लीजिए। जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाले तब तक आप इन्हें भूनिए। इन्हीं मसालों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और मटर ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। मसालों को भूनते भूनते ही गाजर और मटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इन्हें आपको लगातार चलाते हुए मसालों को भूनना है। स्वादानुसार नमक, एक चम्मच मलाई,
दोस्तों मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, देख पा रहे हो आप, इसका मतलब ये अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं पानी। एक ग्लास पानी डालेंगे और थोड़ा इसे खौलने देंगे। जब मसाले खौल जाएं, तब इसमें ऐड करिएगा गोभी पकौड़ा। दोस्तों मसाले खौलने लगे, अब इसमें ऐड करते हैं ये पकौड़े। दोस्तों पकौड़े डालने के बाद इसे एक से डेढ़ मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद फ्लेम बंद कर दीजिएगा। इसे पकाते हुए लगभग डेढ़ मिनट होने वाले हैं, इसी समय हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। ये आपका डिलीशियस गोभी का कोफ्ता बनकर रेडी हो गया। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम आपको इसे सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ये डिलीशियस गोभी का कोफ्ता बनकर तैयार है। दोस्तों इस समय ठंडियों में गोभी सस्ती आने लगी है, तो इस समय आप इसे बना सकते हो, घर में इजिली सबको खिला सकते हो। हम हर सैटरडे एंड वेडनेसडे को आपके लिए नई रेसिपी लेकर आते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके ये गोभी के कोफ्ते कैसे बने। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।